नमस्कार, मैं राकेश भाटी और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट टू लेके। आज साथियों अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। कल हमने इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसके विस्तार के बारे में सामान्य बातें की थी और यहीं पे लोगों ने इस सभ्यता की स्थापना क्यों की, इन सभी बातों के बारे में जो ज़रूरी जो फैक्ट थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए हैं। एक बार थोड़ा सा और ध्यान में कर लेना, एरिया की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है वो रहेगा उत्तर में मांडा, मांडा रहेगा जम्मू कश्मीर में और ये रहेगा चिनाब के किनारे। कौन सी नदी के किनारे रहेगा? चिनाब नदी के किनारे रहेगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रख लेना आप, जब हम नदियों की बात करते हैं तो इस प्रकार से है, ऊपर झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ नदी रहेगी झेलम नदी, यहाँ रहेगी चिनाब नदी, फिर रहेगी रावी नदी, फिर रहेगी व्यास नदी और उसके बाद में रहेगी यहाँ पे सतलज नदी, ठीक है। कल की वीडियो में जो हमने बात की थी उसमें हमने जो स्थान दिखाया है मांडा, ठीक है। तो ये मांडा नाम का जो स्थल है ये चित्र में थोड़ा सा क्या है, झेलम के पास में लिख दिया था, तो आप ये मत मानना कि मांडा जो है वो झेलम के किनारे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, जो पहली वीडियो में जो डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे बना हुआ स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु माना जाता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे है पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है मेरठ में, मेरठ अपना है यूपी में। इसके बाद में दक्षिण में यहाँ पे दायमाबाद है, दायमाबाद, दायमाबाद पड़ता है साथियों महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे बताया जाता है? परवरा नदी के किनारे बताया जाता है। और इधर अगर अपने पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे जगह हो जाएगी सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे हैं? दाश्क नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? दाश्क नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर नाम का जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे रहेगा? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये पूरा जो एरिया है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी वाला विस्तार वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके मुख्य मुख्य जो केंद्र है उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने कल भी आपको क्लियर कराया था इससे पहले वाले वीडियो में और आज मैं फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कल वाली वीडियो के अंदर जो हमने बात की थी मांडा थोड़ा सा झेलम के पास में लिखा गया था, तो आप मांडा को भूलवंश ये मत मान लेना कि झेलम के किनारे हैं, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे हो जाएगा। स्क्रीन शॉट इसका ले लो आप। ठीक है, अब हम इसमें आगे की बात करेंगे। यहाँ तक की बातें मैंने कंप्लीट करवा दी, ये बात आपको दो बार मैं बता चुका हूँ और उम्मीद है कि एरिया इसका विस्तार जो है वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो ये जो जगह है इसका सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किसने किया, किसको पता चला भी ये एरिया जो है यहाँ पे सिंधु घाटी नाम की सभ्यता हुआ करती थी, यहाँ पे हड़प्पा था? पता कैसे चला था? क्योंकि ये तो हमें पता है कि सभ्यता, ये जो मकान, गोदाम, ये जो सारी चीज़ें बनी हुई थी ये तो भूमि के अंदर दबी हुई थी, फिर पता कैसे चला? तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ी सी आपको इससे पुरानी बात है वहाँ तक लेके जाता हूँ, ध्यान रख लेना। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो 1826 की बात है, सबसे पहले 1826 की बात है। 1826 में सर्वप्रथम एक विद्वान था चार्ल्स मैनसन, चार्ल्स मैनसन ने
सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी। सबसे पहले चार्ल्स मेंसन है, उसको पता चला भी या ये ऊंचा सा टिल्ला बना हुआ है, यहाँ पे कुछ ईंटें वगैरह, वैसे तो बहुत टाइम पहले ही है, लोग थोड़ी थोड़ी ईंटें जो है इस एरिया से खुदाई में मिली, उनको ले जाके अपने मकान बनाने लग गए थे। और बाद में ये दावा किया गया था कि वो जो ईंटें हैं वो कोई आम ईंटें नहीं हैं, वो 50,000 साल पुरानी ईंटें हैं। इसके बाद में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है 1826 में चार्ल्स मेंसन नाम के एक अंग्रेज ने, उसने कहा, पता तो नहीं था उसको, लेकिन उसने कहा भी यहाँ कोई जुगाड़ है इसके अंदर छिपा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में टाइम निकलता गया, फिर थोड़े टाइम बाद में 1856 की बात है, खुदाई वगैरह अभी तक कुछ नहीं हुई, 1856 में देखो क्या हुआ था यहां पे, बर्टन बंधुओं द्वारा क्या काम कराया गया, यहां पे एक रेलवे लाइन बिछानी थी, और रेलवे लाइन जो है जानी थी लाहौर से लेकर कराची तक, हमें रेलवे लाइन बनानी थी। जैसे ही रेलवे लाइन का नक्शा तैयार किया गया तो रास्ते में क्या हुआ कि एक ऊंचा टिल्ला आ गया। अब रेलवे लाइन हमें उस ऊंचे टिल्ले के बिल्कुल अंदर से गुजारनी थी, तो उस टिल्ले की क्या हुई, खुदाई हुई। जब उस टिल्ले की खुदाई हुई तो टिल्ले की खुदाई में हमें कुछ भवन के अवशेष, ईंटें वगैरह और कुछ ऐसी पुरातत्व की कुछ चीज़ें ऐसी मिली हमें, जिसके कारण ये लगा भी ये कोई पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दबी हुई है। तो देखो, बर्टन बंधुओं द्वारा कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के लिए इस जगह की क्या हुई, खुदाई हुई। इस जगह की क्या करवाई गई, खुदाई करवाई गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि खुदाई में हमें ऐसी चीजें मिल गई, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ध्यान जो है लोगों ने इसके ऊपर नहीं दिया था। लोगों ने सोचा भी चलो पुरानी ईंटें हैं, कुछ मिल गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, उसके द्वारा क्या काम किया गया था, मैं बात अब करने जा रहा हूं 1921 की। 1921 में क्या हुआ था, 1921 में यहां पे जॉन मार्शल के निर्देशन में इस जगह की क्या हुई, खुदाई करवाई गई। जॉन मार्शल कौन था, भारतीय पुरातात्विक विभाग का अधिकारी था, ये क्या था, अधिकारी था। अब देखो इसके बाद में यहां पे एक व्यक्ति और है जिसको इसकी खुदाई का क्या देते हैं, अपने श्रेय देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जो खोजकर्ता है वो रहेगा दयाराम साहनी। तो खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है, जिसने इस जगह की खुदाई करवाई। लेकिन किसके निर्देशन में खुदाई हुई थी, पुरातात्विक विभाग का अधिकारी था, नाम था जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के निर्देशन में इस जगह की खुदाई करवाई गई। यहां से खुदाई में जो जगह हमें मिली उस जगह का नाम रखा गया हड़प्पा, ठीक है। यह खोजा गया स्थल क्या कहलाया, हड़प्पा कहलाया। क्या कहलाया था, हड़प्पा कहलाया था। अब सबसे पहले जिस जगह की हमने खोज की उस जगह का नाम हड़प्पा मिला, तो हमने क्या काम किया, स्टार्टिंग में पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी खोज की, बातें होगी बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके खोज से संबंधित। अब देखो एक चीज और ध्यान में रख लेना यहाँ पे, चलो एक बार आप इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर अपने आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक पहुंच गए हम, अब बात करते हैं कि आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने केंद्र या कितने स्थान हमें मिल चुके हैं,
कितने स्थान हमें मिल चुके हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, कुल स्थान कितनी जगह मिल चुकी है जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो कुल स्थान हमें 1400 स्थल मिल चुके हैं, जिनमें से भारत में 925 स्थल है। भारत में कितने हैं? 925 स्थल कहां पे है? भारत में है, ठीक है। और इसके 925 जो है, इसके भी 80% जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस नदी के आसपास है? वो ज्यादातर जो है वो सरस्वती नदी के आसपास है। कौन सी नदी के आसपास रहेंगे? सरस्वती नदी के आसपास रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके इसकी खोज के बारे में बातें कर ली, और बाकी इसके बारे में बातें कर ली कितने स्थान जो है खोदे गए हैं। अब इसके बाद में देखो, मुख्य 6 नगर सिंधु घाटी सभ्यता में, वैसे तो बहुत सारी जगह अपने को मिली है, लेकिन परिपक्व अवस्था की बात करें तो 6 नगर जो है उनको अपने यहाँ पे दर्शाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल 6 स्थान ऐसे हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। इनमें रहेगा जैसे हड़प्पा, एक नंबर पे हड़प्पा है, दो नंबर पे यहाँ रहेगा मोहन जोदड़ो, तीन नंबर पे यहाँ रहेगा चन्नूदड़ो, कौन सा रहेगा? चन्नूदड़ो, ये तीनों ही पाकिस्तान में है। चार नंबर पे रहेगा लोथल गुजरात में है। पांच नंबर पे यहाँ पे रहेगा अपने कालीबंगा, कौन सा रहेगा? कालीबंगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे अपने बात कर लेंगे बनवाली की, किसकी बात कर लेंगे? बनवाली की अपने बात कर लेंगे। तो ये 6 जो है मुख्य नगर जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि यहाँ पे पूजा पाठ की अगर अपने बात करें तो पूजा पाठ किस प्रकार की थी? यहाँ पे मातृ शक्ति या मातृ देवी या प्रकृति की पूजा होती थी। मातृ देवी या किसकी पूजा हुआ करती थी? प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। अब अगर बात करें कि इनका जो पुरुष देवता है वो कौन था? पाशुपतिनाथ। मुख्य देवता इस सभ्यता के लोगों का कौन सा रहेगा? पाशुपतिनाथ रहेगा। पाशुपतिनाथ जो है वो किसका रूप है? एक प्रकार से शिव भगवान का रूप माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बेसिक जानकारी कर ली। माता के रूप में पूछे कि किस देवी की पूजा होती थी, तो मातृ देवी या मातृ शक्ति की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है, पूजा की बात होगी। इसके बाद में देखो, यहाँ पे दफनाने और जलाने की मिक्स प्रक्रिया हुआ करती थी। याद रखना, हड़प्पा के जो लोग हैं वो लाश को दफनाते थे, और मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं वो लाश को जलाते थे, ठीक है, ये बात और ध्यान में रख लेना। तो हड़प्पा में शव क्या करते थे? दफनाते थे तथा मोहनजोदड़ो में क्या करते थे? शव को जलाते थे। तो मिक्स प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान में रखना, ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है वहाँ पे लाश को दफनाया जाता था, ज़्यादातर मोस्टली दफनाया ही जाता था। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अपने कंपेरिजन करें तो ध्यान में रख लेना, हड़प्पा में क्या किया जाता था? उनको दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में उनको जलाया जाता था। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, यहां तक की बात हमने कर ली, ये बेसिक जानकारियां थी इसके बारे में। अब अपने इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ की जो यहाँ के रीति रिवाज है, यहाँ की व्यवस्था है, उन सभी के बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा, क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में माना है, और आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जब हिस्ट्री लिखी तो गई लेकिन हिस्ट्री पढ़ी
नहीं गई थी। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ की मूल जाति की अगर अपने बात करें तो मूल जाति ध्यान में रखना द्रविड़ है, मूल जाति द्रविड़ है या अपने कहेंगे भूमध्य सागरीय लोग, या फिर कौन से लोग है, भूमध्य सागरीय लोग यहाँ के मूलतः निवासी थे। इसके बाद में बात करें यहाँ की लिपि की। अब देखो क्या हुआ है कि लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसी को अपने कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल का ही भाग हो जाएगा सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। तो यहाँ का मतलब है यहाँ पे जो लिपि मिली हमें वो सही तरीके से पढ़ी नहीं गई है। तो कौन सी लिपि थी, वो कौन सी लिपि थी, किस प्रकार से थी, ठीक है, तो ध्यान में रख लेना यहाँ पे भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसको अंग्रेजी में पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफिक, सर्पिल्लाकार भी है ये, सर्पिल्लाकार भी है, ठीक है। तरंधव लिपि भी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, तरंधव लिपि भी इसको नाम दे देंगे। किस प्रकार से लिखी जाती थी, देखो यहां पे इस प्रकार से। अब देखो सबसे पहली जो बात है यहां पे कि पढ़ी क्यों नहीं गई, कि एक बार तो ये ऐसे लिखी जाती थी, एक बार तो ऐसे लिखी जाती थी, दूसरी लाइन इस प्रकार से लिखी जाती थी, ठीक है, दूसरी लाइन इस प्रकार से लिखी जाती थी, तो ये दिशा कौन सी रहेगी अपने, ठीक है, तो यहां पे देखो बाईं से एक लाइन तो लिखी जाती थी दाईं ओर, अगली लाइन जो है वो दाईं से कहां आ जाती थी, बाईं ओर। तो एक तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, कैसा रहेगा, बाएं से दाएं और अगली पंक्ति में दाएं से बाईं ओर। अब देखो एक बार इसको ऐसे पढ़ लिया तो दूसरी बार यहाँ अपने दिक्कत हो जाती है, ठीक वैसे मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मान लो कि ऐसे लिख दिया राम आम खाता है लेकिन शाम को नहीं खाने देता है। अब इसको अपने ग्रामर लगा के पढ़ लेंगे, भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है, इसको अपने ढंग से पढ़ लेंगे तो यहाँ तो ठीक होगी बात, लेकिन अगली लाइन में ये सिस्टम जो है इसका उल्टा हो रहा है तो हमारे समझ में ये चीज़ नहीं आएगी। तो इसी वजह से ये जो लिपि है ये सही तरीके से पढ़ी नहीं गई है। अब देखो इसका जो दूसरा टाइप है भावचित्रात्मक लिपि, भावचित्रात्मक क्या होता है, जहां चित्रों से भाव प्रकट हो वो भावचित्रात्मक होती है। जैसे मान लो एक मोहर मिली हमें इस प्रकार से, मोहर जो व्यापार वगैरह करते थे स्टैंप अपने लगाते ना, मोहर, मोहर मिली, मोहर पे इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ था, मान लो मुहर पे इस प्रकार से चित्र बना हुआ था, इस प्रकार से चित्र बना हुआ था, एक व्यक्ति यहां पे बना हुआ है, ठीक है, और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये रह गया इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब ये चित्र मिला हमें एक मोहर के ऊपर, तो इस चित्र को, इस मोहर को देख के हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इस प्रकार से मदिरा पान का प्रचलन था, पक्षियों की बलि दी जाती थी, कुत्ता इनका क्या था, पालतू पशु था, तो ये चित्रों से जो भाव प्रकट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भावचित्रात्मक लिपि। इससे हम इसको विस्तार से जब लिखेंगे तो ये लिख देंगे भी वहाँ के निवासी जैसे मान लो है मदिरा पान करते थे, उसके बाद में वो मुर्गा वगैरह बनाते थे, कुत्ता इनका इस प्रकार से पालतू पशु था या जानवर था, तो ये लिपि हमारी कौन सी हो जाएगी, भावचित्रात्मक लिपि हो जाएगी। चित्रों से ही भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन साथियों इसमें भी एक दिक्कत है, स्टेक अनुमान लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ ये तो कह सकते हैं कि कुत्ता मिला, ठीक है, मुर्गे का चित्र मिला, ये मिला,
लेकिन इसको दूसरे भाव से भी प्रकट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मुर्गा और कुत्ता उनके जो है पवित्र पशु पक्षी हुआ करते थे, ठीक है, प्रिय पालतू पशु भी था, आदमी जो है वो रक्षा के लिए इस प्रकार से उपकरण रखा करता था। तो भावचित्रात्मक में अपने अपने हिसाब से उसके भाव ले लिए जाते हैं, तो सटीक अनुमान नहीं रहेगा ये। तो ये होती है भावचित्रात्मक लिपि, जिसको पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं, सर्पिलाकार भी कहते हैं, और तरंधव लिपि भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई, हमने बात कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे मनोरंजन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मनोरंजन के साधन क्या थे? तो देखो, पशु पक्षियों को लड़ाना, ठीक है, शिकार, ठीक है, मछली पालन, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, मछली पालना, ये जो चीज़ें हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इसके बाद में देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखो शहद के रूप, शहद को किसको, शहद को ये लोग मिठाई के रूप में काम में लेते थे, ठीक है, मिठाई के रूप में क्या कर लेते थे, काम लेते थे, मिठाई के रूप में काम ये लोग लेते थे। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता, किसी की शादी हुई है, किसी के कोई भी, किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई और काम हो गया, तो पार्टी में क्या खिलाते थे उसको, शहद खिलाते थे, ठीक है। तो शहद जो है ये इनका क्या हुआ करता था, प्रमुख मिठाई मानी जाती थी। आजकल पार्टी देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, लिक्विड बहुत सारे हैं प्रचलन में, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ब्रांड भी होते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, शहद की पार्टी दिया करते थे। आजकल के लोगों के लिए शहद अलग ही चीज़ है, ठीक है, तो 400-500 रुपये से शुरू होकर 1500-2000 रुपये तक लगा देते हैं, आईबी के, रॉयल स्टे के, इनके लगा देते हैं, लेकिन शहद की पार्टी सिंधु घाटी सभ्यता में चला करती थी, ठीक है। तो ये इतनी बातें बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताई, समझ में आई होगी आपके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हमने यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कंप्लीट कर ली है, ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी यहाँ की। अब अपन लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो आगे की इसमें बातें जो है वो दो जगहें सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण केंद्र है इनके, उनका पूछा जाता है कि उनकी खुदाई कब हुई, खोज कब हुई है, या खुदाई कब करवाएगी, किसके निर्देशन में हुई, कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ केंद्र है। तो जितने भी सभ्यता के केंद्र हुए वो कोई ना कोई नदी के किनारे विकसित हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो जगह रहेगी हड़प्पा, एक जगह यहाँ पे रहेगी मोहनजोदड़ो, ये दो जगह हमारे पास में है। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ो, क्योंकि दोनों ज्यादा कंफ्यूज करती है आपस में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी जुड़वा राजधानी बताया है कि इसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। अब देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर अपने बात करें तो 1921 और 1922 ध्यान में रखना, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत शानदार तरीका आपको बताऊंगा याद रखने का। तो खोज कब हुई, हड़प्पा नाम छोटा है तो 21 में रहेगा, मोहनजोदड़ो नाम बड़ा है तो 22 में रहेगा, 1922 में, ठीक है। अब देखो, हड़प्पा जो है 1921 में, हड़प्पा नाम छोटा तो 21 में, मोहनजोदड़ो नाम बड़ा तो 22 में, हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो आदमी को दया आई थी, क्या आई थी, दया। तो यहां पे देखो, इसका खोजकर्ता कौन है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। तो हड़प्पा को खोदते टाइम दया आई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो को खोदते समय दया रख ली थी इसने, दया
रख ली थी राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी इसका क्या रहेगा, खोज करता रहेगा। तो दोनों बातें यहां पे क्लियर होगी। 21 22 दया आई थी, दया रख ली थी। इसके बाद में देखो नदी पूछ ले, तो ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। इसमें नदी पूछ ले तो मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे हैं। कहां रहेगा, सिंधु के किनारे रहेगा। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। इसके बाद की जो बात है इस पे वो और ध्यान में रखना। नदियों के बारे में हमने बात यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, खोजकर्ता भी इनका हमने पढ़ लिया है। कहाँ पे है तो ध्यान में रख लेना, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। मोंटगोमरी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में क्या है, हड़प्पा है। और ये जो जगह है मोहनजोदड़ो नाम की जो जगह है ये कहां पे है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। पाकिस्तान के लरकाना जिले के अंदर ये स्थान बना हुआ है जिसका नाम क्या रहेगा, मोहनजोदड़ो रहेगा। अब इसमें और आप बातें ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है वो क्या रहेगा और मोहनजोदड़ो में क्या रहेगा। तो देखो विशेष अगर बात करें इसमें तो बड़ी, नाम बड़ा है तो बड़ी बड़ी चीजें मिलती है। याद रखना, नाम बड़ा है तो बड़ी बड़ी चीजें मिलती है। तो बड़ा सारा यहाँ पे गोदाम मिला है, अन्नागार मिला है। बड़ा सारा यहाँ पे बाथरूम मिला है तो स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। बड़ी सारी एक कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। किसकी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहां से अपने को मिली है। तो ग्रेट बात बना है, ठीक है, अन्नागार स्नानागार नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। यहां से देखो, यहां से क्या मिलता है कि एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाले बैल का, एक श्रृंगी बैल का सर्वाधिक चित्रांकन मिलता है हड़प्पा की मोहरों पे। सर्वाधिक चित्रांकन मिलता है कहाँ की मोहरों पे, हड़प्पा की मोहरों पे एक सींग वाले बैल का सर्वाधिक चित्रांकन मिलता है। हड़प्पा की एक खास बात और है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी मानी जाती है। प्रथम राजधानी मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल, प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा रहेगा, मोहनजोदड़ो रहेगा। कौन सा रहेगा, मोहनजोदड़ो रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रख लेना कि एक विद्वान है जिसका नाम था पिगट, और पिगट ने क्या कहा था, पिगट ने कहा हड़प्पा व मोहन, ये सबसे मोस्ट बात है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या कहा था, जुड़वां राजधानी कहा था। क्या कहा था, जुड़वां राजधानी नाम दिया था। तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या नाम दिया था, जुड़वां राजधानी। अब ध्यान में रखना, प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, मोहनजोदड़ो रहेगा। प्रथम राजधानी हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता की, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो है, तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा को माना जाता है। और पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, जुड़वां राजधानी नाम दिया गया है। और एक श्रृंगी बैल का सबसे ज्यादा चित्रांकन कहां से मिला है, हड़प्पा की मोहरों से मिला है। मोहर क्या होती है, जब भी व्यापार करते थे तो एक लिखित रूप में एक इस प्रकार से कोई भी धातु का टुकड़ा जिस पे कोई चिन्ह वगैरह बने होते थे तो वो क्या होते थे, मोहर हुआ करती थी, मोहर लगी होती थी वो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि एक श्रृंगी बैल किस प्रकार का था,
इस प्रकार से एक सिंह वाला बैल हुआ करता था, इस प्रकार से। एक श्रृंगी बैल इस प्रकार से हुआ करता था, ठीक है। तो एक श्रृंगी बैल का इस प्रकार का चित्रांकन मिलता है हमें कौन सी मोहरों पे? हड़प्पा से मिलता है। और यहाँ पे अन्नागार स्नानागार नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। एक बात ध्यान में रखना, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको साथियों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कंपेरिजन पढ़ रहे थे। हड़प्पा नाम छोटा 1921 में, मोहनजोदड़ो नाम बड़ा 1922 में। हड़प्पा को खोज करते समय दया आई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय दया रख ली थी, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। देखो नाम बड़ा है तो बड़ी नदी सिंधु है तो सिंधु के किनारे हो जाएगा। ये हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। साथियों ये वही लरकाना जिला है जिसका संबंध गुरु नानक देव जी से है, ठीक है। ये जो लरकाना है वर्तमान में ननकाना नाम से भी इसको जानते हैं, यहीं पर गुरु नानक देव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल विशेष बात अगर अपने करें तो एक सिंह वाले बैल का चित्रांकन सबसे ज्यादा हड़प्पा की मोहरों पे मिलता है। और मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन सी चीजें मिली, मुख्य जो है सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाली तीन चीजें, बाकी भी डिटेल में करवाऊंगा। अन्नागार, बड़ा सारा अन्नागार गोदाम, इसके बाद में ग्रेट बात मतलब स्नानागार, और नर्तकी की क्या मिली है, यहाँ से कांस्य मूर्ति मिली है। इसके बाद में ये चीज़ें बेसिक बातें मैंने आपको करवा दी है, ये चीज़ें उम्मीद है इतनी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी, एकदम क्लियर, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने फटाफट इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और जो बातें आपको, ये चीजें मैंने दो बार रिपीट करवाई है, याद रख लेना, 80% जो है वो यहीं से उड़ते हैं ज्यादातर। इनका खोजकर्ता पूछ लेते हैं कब खोदा गया इसको, वो पूछ लेते हैं सामान कौन सा मिला, मटेरियल कौन सा मिला, उसके बारे में भी हमारे से पूछ लेते हैं। अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें आपको और बताऊंगा जहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें मिली है, कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिनमें स्पेशल कुछ चीजें मिली है जिनके कारण उस पुरातात्विक केंद्र की पहचान बनती है। ध्यान में रख लेना साथियों, बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा, लिपस्टिक की बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। लिपस्टिक व मणके बनाने का कारखाना, ये खतरनाक जो मटेरियल है ये आज का नहीं है, आज से 4-5 हजार साल पुराना सामान है ये जो बना करता था। लिपस्टिक और मणके बनाने का कारखाना था साथियों चन्नूदड़ो में। कहां पे था चन्नूदड़ो? कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। देखो मानव जैसे सभ्य हुआ, उसके सभ्य होते ही सबसे पहले लिपस्टिक मिणिया मोती इस प्रकार की चीजें बनने लगी थी, क्योंकि बनाने वाले को भी पता था कि जैसे जैसे मानव समझदार होता जा रहा है इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बहुत बिका करेंगे, इसीलिए उसने क्या काम किया, लिपस्टिक और ये चीज़ें आज से हजारों साल पहले बनाने शुरू कर दी थी कि मानव से कितने विकसित हो जाए, कितने संपन्न हो जाए, लेकिन उसको आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी मिणिया मोती लिपस्टिक, ठीक है। तो ये चीज़ें आज भी एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है, कितना ही संपन्न व्यक्ति हो, कितना ही मान लो प्रतिष्ठित हो, लेकिन ये चीज़ें क्या करती है, उसको आकर्षित करती है। यही सोच के सिंधु घाटी सभ्यता ने आज से हजारों साल पहले भी ये खतरनाक जो औजार है लिपस्टिक वगैरह इनका निर्माण करना शुरू कर दिया था, और उनको पूरा विश्वास था कि यह प्रोडक्ट बहुत चलेगा और आज तक इसकी बिक्री बहुत ज्यादा मात्रा में होती रही है और ये प्रयोग जो उनका सफल भी रहा था। इसके बाद में ये बात मैंने कर ली, अब आपको दो बातें बताऊंगा, एक तो है लोथल और एक है सुरकोटड़ा, लोथल और सुरकोटड़ा, ये दो जो जगह हैं ये थे उस समय के बंदरगाह। क्या थे? बंदरगाह थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो ही बंदरगाह थे मुख्य, एक का नाम था सुरकोटड़ा और एक का नाम था लोथल। बंदरगाह क्या होते हैं साथियों? इसके नाम से ऐसा लग रहा है, छठी क्लास में एक बार क्लास में पूछा था
कि बताओ बच्चों बंदरगाह क्या होते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया कि जहाँ पे बंदर और गाय साथ साथ रहते हैं वो जगह बंदरगाह कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि जहाँ से समुद्र के अंदर जो है जहाज पानी में प्रवाहित किए जाते हैं और जहाँ पे आके समुद्री जहाज है जिस स्थल पे आके लैंडिंग करते हैं रुकते हैं वो जगह क्या होती है बंदरगाह। और बंदरगाह सिंध वासियों के लिए विदेशी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो माने गए थे। तो दो ही उस समय के बंदरगाह थे जिनसे अपने क्या करते थे बड़े बड़े जहाज लेके विदेशों में सामान का आयात और निर्यात किया जाता था। तो सुरकोटड़ा और ये जो लोथल है ये क्या थे उस समय के बंदरगाह थे, दो ही बंदरगाह थे मुख्य यहाँ पे। इसके बाद में देखो रंगपुर और मुख्य रहेगा लोथल। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, हवन वगैरह करने में भी काम में लेते थे। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी धार्मिक गतिविधियों के अंदर भी काम में लेते थे ये लोग। तो ये जगह कौन सी हो जाएगी, रंगपुर और लोथल। तो याद रख लेना कि जब भी अपने चावल जो है खाने के काम में लेते हैं वो वाइट कलर सफ़ेद रंग के चावल कम ही काम में लेते हैं, ज़्यादातर अपने नमकीन चावल काम में लेते हैं। मीठे चावल बनाएंगे तो लाल लाल रंग के होंगे, नहीं तो वो येलो कलर के होते हैं। तो चावल रंगीन होते हैं, तो चावल सबसे पहले मिला था काम पे। चावल के अवशेष मिलते हैं कहाँ से, मिलते हैं साथियों रंगपुर से मिलते हैं। इसके अलावा चावल के अवशेष जो है वो कालीबंगा से भी मिले हैं, कहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे सुरकोटड़ा की, किसकी बात करूँगा सुरकोटड़ा की, मैं आपको बात बताऊँगा। सुरकोटड़ा शब्द है, इसके लास्ट में अड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सुरकोटड़ा में घोड़ा, सुरकोटड़ा में क्या मिला, घोड़ा मिला है। तो सबसे पहले घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं अपने को, सुरकोटड़ा नाम की जगह से मिले हैं। इसके बाद में देखो अगर बात करें स्पेशल अपने लोथल की, किसकी बात करें लोथल की बात करें, तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। इनके देखो एक टेबल बना के और बताऊंगा आपको, टेबल में इनका खोजकर्ता वगैरह वो चीज़ें भी मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ वो बातें फैक्ट आपको करवा रहा हूँ जिनके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और जो चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज करती है उसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो लोथल, लोथल किस नदी के किनारे हैं गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं, भोगवा नदी के किनारे है। भोग किसका लगाना है, चावल का लगाना है। किसका लगाना है भोग, चावल का लगाना है। अब देखो कि चावल को हम पकाएंगे, चावल को हमें पकाएंगे तो किस में पकाएंगे, तंदूर में पकाएंगे। किस में, तंदूर में। तो बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार तंदूर भी मिला है कहां से, कहां से मिला है, लोथल से मिला है। कहां से मिला है, लोथल से। इसके बाद में देखो बेलनाकार तंदूर भी है, इसके बाद में यहाँ पे चावल के अवशेष भी हो जाएंगे, बेलनाकार तंदूर भी यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो है अपने बंदरगाह, बंदरगाह के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं अपने को, लोथल से। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। किस नदी के किनारे हैं, भोगवा नदी के किनारे। भोग किसका लगाना है, चावल का लगाना है। और चावल किस में पकाएंगे, तंदूर में पकाएंगे। किस में पकाएंगे, तंदूर में पकाएंगे। और उसके बाद में जो है कुछ जो भोग है वो किसको लगाना है, बंदर को लगाना है। तो बंदरगाह के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हमारे पास में जगह पड़ी है तो मैं आपको एक चीज और यहां पे करवा दूंगा। ठीक है, देखो यहां पे रहेगा कालीबंगा, सबसे मुख्य जो बात है कालीबंगा की। तो कालीबंगा में ध्यान में रख लेना सबसे स्पेशल बात क्या रहेगी, यहां पे दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। दुनिया में सबसे पहले दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, मिट्टी की बनी हुई एक खिलौना गाड़ी कहां से मिली है हमें,
कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। दुर्ग के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। विश्व में सर्वप्रथम दोहरा परकोटा भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। यहाँ केवल जगह कम है इसलिए एक ही बात केवल आज अपने यहाँ पे लिखेंगे। एक बार देखो यहाँ पे सबसे स्पेशल बात है, कुत्ते के साथ मानव का शवादान। तो देखो आदमी के साथ किसको दफनाते थे ये लोग? कुत्ते को दफनाते थे। तो कुत्ते को इस सभ्यता के लोगों का प्रिय जो है वो पालतू पशु माना गया है। देखो पुरानी चीजें हैं इसलिए उसके आधार पे हम मानते हैं कि कुत्ते के साथ में समाधि दी गई थी। हम पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आज के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रकार का मटेरियल मिला है तो आप तरह तरह के अनुमान इसमें लगाओगे। भी हो सकता है कि सर आदमी जो है वो कुत्ते से डरता हुआ भागा है, गड्ढे में गिर गया है, उसके बाद में कुत्ता उसको खा गया, फिर कुत्ता निकल नहीं पाया तो कुत्ता भी मर गया। ये तो नेगेटिव बात है। पॉजिटिव इसमें ये रहेगी कि कुत्ता जो है वो उस समय के लोगों का पवित्र और मुख्य पालतू पशु था या जानवर था, और दोनों को क्या करते थे, मरने के बाद में साथ में ही दफनाया जाता था। तो पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव थिंक से अपने को इतिहास का अनुमान अपने लगाते हैं। नेगेटिव के हिसाब से तो अपने कुत्ता और मालिक जो है उसके बारे में कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अपने को ऐसा लगाना लिए इसलिए इतिहास लिखने की जिम्मेदारी अपने जैसे लोगों को नहीं दी गई है। तो अभी अपने इसकी बाकी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक स्थान के बारे में सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।